गाइस बेट करने का मतलब आप लोगों को पता है क्या? जब मान लो जो मछुआरे होते हैं ना, जब मछली पकड़ने जाते हैं, वो अपने हुक पे ना कुछ दाना देते हैं या फिर खाना टाइप का देते हैं, ताकि वो मछली जब आए ना उसको अट्रैक्ट हो खाना के लिए, एंड फिर वो मछली हुक के अंदर फंस जाए और मछली को उठा ले। या फिर इसका भी दूसरा मतलब भी हो सकता है कि किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए एक चीज को यूज किया जाता है, काइंड ऑफ सिमिलर ही हो जाता है मछली वाला सीन के साथ, तो उसे हम बेट कहते हैं। अब आज आप सोच रहे हो कि औरव भाई ये बेट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन हुआ एक मैच के दौरान, जहां पे अपने आप को बेट कर रहे थे प्लेयर, एंड उस प्लेयर का नाम है टोटल गेमिंग के फौजी अजय। देखिए ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, देखिए बस इसको एक टर्मिनोलॉजी दिया जा चुका है, जो बाइक के साथ आगे जाते हैं वो अग्रेस करते हैं। मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूं आज की वीडियो के ऊपर, आज इसी के ऊपर बात करने वाले, थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले ई स्पोर्ट्स की प्रीमियर सीरीज के ग्रैंड फाइनल्स का, डे नंबर वन का। तो पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो करते हैं आज का वीडियो आप लोगों ने फौजी को बहुत बार देखा है ऐसे मल्टीपल सिचुएशन में जहां वो बाइक लेके बहुत ज्यादा अग्रेस कर जाता है अगर आप यहां पे उनका सिचुएशन देखिए वो यहां पे बाइक पे माफिया को बैठा चुके हैं ये वाले स्क्रीन पे फोकस लेके आइए दिस ऑन द स्क्रीन राइट साइड पे यहां पे देखिए फौजी जो बाइक पे ऑलरेडी घूम रहे हैं वो जा रहे हैं टीएनएम के प्लेयर्स के पास उनके राइट साइड में देसी गेमर्स के प्लेयर्स नंबर 3 एंड आप अगर इस अभी सामने ऊपर वाले टॉप व्यू पे स्क्रीन पे अगर आप फोकस लेके आओगे यहाँ पे आप देखिए सर्कल का सिचुएशन क्या है। टीम नंबर 10 यहाँ पे है, टीएनएम के प्लेयर्स टीम नंबर 5 है, डीसी गेमर्स के प्लेयर्स इस सिचुएशन में, बीएफए के प्लेयर्स जो 12 नंबर के प्लेयर है, टोटल गेम के माफिया बाला और ड्रेगो यहाँ पे पीछे फंसे हुए हैं, ठीक है, और हेक्स का भी एक प्लेयर बचा हुआ है। तो पूरा ये सर्कल जो है ये इस तरफ बना हुआ है, ये एरिया पे सर्कल बना हुआ है, तो उनको ये एरिया की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो बाइक लेके जा रहे हैं, अग्रेस कर रहे हैं। तो बेसिकली इस सिचुएशन में क्या होता है कि माफिया को पता है कि फौजी अजय आगे जा रहे हैं बेट करने के लिए, उनके सामने राइट हैंड साइड पे टीएनएम के प्लेयर्स है, तो माफिया को पीछे उतार दिया गया है और फौजी अजय बिल्कुल उनके मुंह के सामने जाके उतरते हैं एज अ बेट, एज अ चारा कह सकते हो, मछली के चारा की तरह। एंड पुनीत को पता नहीं था, पुनीत बिना गन के घूम रहे थे, पुनीत वहां पे नॉक हो जाते हैं पहले, और पुनीत को नॉक किया जाता है फौजी की तरफ से। तो अब तीन प्लेयर जो टीएनएम के बचे हुए थे, फौजी अजय ने जाके उनको एक को मार दिया है। अब देखिए इसका दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि फौजी अजय को इमीडिएटली खत्म किया जा सकता है, बट माफिया को क्या पता है, माफिया पता है कि माफिया उधर से घुसने वाला है, 100% वहां पे घुसने वाला है। तो अब इन दोनों प्लेयर्स जो चम्मा बचे हुए इस तरफ से, अब सिचुएशन देख क्या होता है, माफिया इमीडिएटली घुस जाते हैं, फौजी अजय को बचा लिया जाता है, ठीक है। माफिया बाला उस तरफ से कवर फायर क्रिएट करते हैं, देखो माफिया बाला ने कवर फायर क्रिएट किया, माफिया ने कवर फायर क्रिएट किया, और एंड रिजल्ट क्या होता है, फौजी अजय बच जाते हैं, टाइटेनियम की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट बेट, अ परफेक्ट स्ट्रेटजी, कि एक टीम के सामने आप कूद जाओ एंड आप उनके एक प्लेयर को नॉक कर दो, एंड बाकी प्लेयरों का फोकस भी आपके ऊपर आ जाता है। ऑब्वियसली बात है आपको अपने टीम को बचाना है, तीन प्लेयर बचे हुए, एंड सिचुएशन, एंड सर्कल, बहुत ज्यादा गहमा गेमिंग का सिचुएशन, कंफ्यूजन हो सकता है, उस सिचुएशन का फायदा उठाया यहाँ पे टोटल गेमिंग के फौजी अजय ने। एंड ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा बार आप लोगों ने फौजी की तरफ से यूज होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जो भी अंडरडॉग्स है, तो जो भी टीम सीखना चाहते हैं इस चीज से सीख सकते हैं कि आप कैसे बेट करते हो। बट हाँ, जब बेट कर रहे हो आपको अपनी टीम को ना अंधा कवर फायर देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो चला गया है मतलब वो अपने आप को संभाल लेगा और आप पहुंचे नहीं तब तक, तो वो फिर खत्म भी हो जाएगा। और फ्री फायर का रिवाइवल मेटा हमें सब लोग को पता है कि क्या सिचुएशन कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत जल्दी प्लेयर्स खत्म हो सकते हैं। अब आखिरी सर्कल में, क्योंकि आखिरी सर्कल में ये दो टीम्स बचती है, एक 4v3 सिचुएशन में माफिया यहां पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, टोटल गेम के पास 7 किल है और सामने है रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स। अब रेवेनेंट के पास एक बहुत क्लियर एडवांटेज दिख रहा है, देखो ये वो रिज पे खड़े हुए, ये रहा वो रिज, ये रिज आप ये वाले स्क्रीन पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले स्क्रीन पे फोकस लेके आइए, देखिए ये वाला रिज, यहां से ऑब्वियसली बात है डाउन द रिज जो टोटल गेमिंग की टीम है वो फंसे हुए हैं ऑलरेडी, उनका नंबर डिसएडवांटेज चला गया है, बट फिर भी एक प्लेयर को डाउन किया गया है माफिया बाला की तरफ से। माफिया बाला हालांकि कमबैक करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन इन रीसेंट टाइम्स काफी ज्यादा उनकी तरफ से मुझे दिखने को मिला है, बट अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, यहाँ पे असली खेल अभी शुरू होता है। तो अभी ड्रेगो की तरफ से एक नेड आता है, कुणाल को नॉक किया जाता है, ठीक है, अभी भी जो पासा है वो डेवरन के पास पूरा है, बट ड्रेगो ऑब्वियसली बात है नेड के साथ कमाल, बहुत बार कमाल कर चुका है, फिर से एक और बार कमाल, ये देखिए एक और नेट, परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट नेट, दो प्लेयर्स नॉक, मतलब ऑलमोस्ट अपने पासे में गेम को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर वहां पे माफिया बाला या फिर फौजी में से कोई नॉक ना होते ना, तो ये शायद टोटल गेमिंग के लिए बुया हो सकता था, बट एंड रिजल्ट 1v2 सिचुएशन, शायद से ड्रेगो कर सकते थे यहाँ पे बुया, बट बहुत मुश्किल हो जाती है कि रेवेरेंट के प्लेयर्स भी उतने ही एक्सपीरियंस है, कोशिश बहुत अच्छी की यहाँ पे ड्रेगो ने, बट रेवेरेंट के प्लेयर्स एज ऑसम एज दे आर ऑलवेज, वहां पे उन्होंने क्लोज डाउन किया मैच को एंड बुया निकाला। देखिए ये एक 15 मैचेस का एक ग्रैंड फाइनल चल रहा है ईस्पोर्ट्स की प्रीमियर सीरीज, इसका एक बहुत बड़ा ग्रैंड फाइनल है दिसंबर में, ये सिमिलर फॉर्मेट है जो पिछले साल हुआ था,
तो यहाँ पे जो भी जीतेगा वो डायरेक्टली एक स्लॉट हासिल कर लेगा मेन इवेंट के लिए, जहां पे एक बहुत बड़ा प्राइस पूल होगा। अब गेम को लेकर के जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये जगह जो है एकदम मैं बोलना नहीं चाहता माइंडफक हो रखा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है गेम के साथ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट अब मैच पे अभी भी जारी रख सकते हैं। फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के साथ भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस, और कुछ नहीं, आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस वीडियो मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।